हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक नया रेसिपी शेयर करना चाहते हो। वो है एवोकाडो पीनट बटर योगर्ट का एक न्यू रेसिपी जो आप लोगों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये पीनट बटर है, ये योगर्ट 170 ग्राम है, और पहले और एक होल एवोकाडो। इसको अभी एक ऐसा रेसिपी बताऊंगा जो आप जो हेल्दी के लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी हेल्दी रखता है। पहले एवोकाडो को आपको ऐसे बीच में से काट के इसको सीड निकालना पड़ेगा दोनों तरफ से, आधा कर करके इस बीच में एक सीड रहता है, वो सीड को निकालना पड़ेगा। ऐसे चारों तरफ से नाइफ को गोल करके घुमा के इसको उंगली से इसको अलग करके अभी सीट को ऐसे थोड़ा सा नाइफ डाल के घुमाओ तो सीट आराम से बाहर आ जाता है। उसके बाद एक स्पून से अभी स्पून से इसको पूरा जो एवोकाडो है इसको निकाल के बोल में लेना पड़ेगा। एवोकाडो जो है इजीली इसको बाहर निकाल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे इजीली पूरा एवोकाडो को बाहर निकाल लो जैसे मैं कर रहा हूँ। एवोकाडो में विटामिन सी रहता है, विटामिन B5 रहता है, विटामिन B6 रहता है, विटामिन ई रहता है, जो हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज एक बहुत अच्छा रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऐसे एवोकाडो को निकाल के अभी इसको छोटा छोटा करके मैं चॉप करके लूँगा, छोटा छोटा चॉप कर लूँगा। और ऐसे देखिए नाइफ के मदद से मैं कैसे अच्छा छोटा छोटा चॉप कर रहा हूँ। ऐसे चॉप करके लो, और जो पीनट बटर होता है, पीनट बटर भी हमारे बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस करता है। जो लोग बॉडी बिल्डर है वो लोग पीनट बटर खाता है डेली 2 स्पून। पीनट बटर में विटामिन B6 रहता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और योगर्ट तो आप सबको ही पता है, योगर्ट एक हेल्दी रहता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहता है वो लोगों को योगर्ट कितना सहायता करता है वेट लॉस करने में। एवोकाडो, पीनट बटर और योगर्ट, ये तीनों चीज़ वेट लॉस करने में सहायता करता है। जो लोग डाइट करता है, डाइट फॉलोइंग करता है, वो लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छा है। पेट भी भरेगा और बॉडी में वेट लॉस भी होएगा। और ये तो हेल्दी है, हेल्दी फूड, सब कुछ फ्रेश बना रहा हूँ। अभी इस एवोकाडो को थोड़ा मैश करना पड़ेगा। जिसके पास मिक्सर है वो मिक्सर में थोड़ा घुमाएगा, 1 मिनट 30 सेकंड के लिए पेस्ट हो जाएगा। अच्छा है मिक्सर, जिसके पास मिक्सर नहीं है वो ऐसे ग्लास के सहायता से इसको प्रेस करते रहे मैश करेगा तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे एक ग्लास के सहायता से इसको मैश कर रहा हूँ। 1 मिनट में मैश हो जाएगा। इसको ऐसे हाथों के प्रेशर से आराम से मैश कर लो। मैं जैसे मैश करो वैसे मैश करो डेली, ऐसे एक बार करके खाएगा तो बॉडी में बहुत पावर आता है। जो लोग डाइट प्लान फॉलो करता है, वेट लॉस करना चाहता है, ये खाने से
वेट गेन नहीं होएगा, वेट नहीं बढ़ेगा, वेट धीरे धीरे जाता रहेगा और आपका पेट भी बढ़ा हुआ रहेगा और हेल्थ भी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। मेरा मैश हो गया, देखिए कितना आसानी से एक गिलास के सहायता से इसको मैश कर लिया। आपके पास कुछ भी हो मैश करने के लिए मैश कर लो, गिलास नहीं है तो बोल है, बोल से भी मैश कर लो। देखो कितना कितना अच्छा मैश हो गया। अभी इसके अंदर हम योगर्ट को खोल के मिक्स करूँगा। योगर्ट का थोड़ा पानी आता है, पानी फेंक दो ऊपर का। फेंकने के बाद इस पहले योगर्ट को थोड़ा ऐसे घुमा के उच्चा अच्छा मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद उसके बाद मैं एवोकाडो के साथ इसको मिक्स कर दूंगा। अभी एवोकाडो के अंदर डाल दिया, डाल के ऐसे थोड़ा मिक्स कर दिया। देखो कितना अच्छा हमारा डाइट करने वाले के लिए अच्छा खाना रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर पीनट बटर है, हम 2 टेबल स्पून मिक्स करेगा। पहले 1 स्पून लेके मिक्स करूँगा, उसके बाद फिर से और 1 स्पून। जो लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं वो लोग पीनट बटर ब्राउन ब्रेड के साथ भी खाता है, बॉडी बिल्डर लोग भी खाता है। ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो लोग आपका आप स्लिम रहोगे, आप आपका बॉडी थिन रहेगा, लेकिन ये जो पीनट बटर है एवोकाडो है ये आपको बॉडी में पावर देता है, जो आपके डेली जरूरत जरूरत होता है। अभी और 1 स्पून में ऐड कर दिया, 2 स्पून ऐड। कोई शुगर देने का ज़रूरत नहीं, इसके अंदर शुगर देगा तो आपको बॉडी में फैट आ जाएगा। शुगर सॉल्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है मिक्स करने का, सिर्फ पीनट बटर योगर्ट और एवोकाडो। ये टेस्टी भी होता है, टेस्टी है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, आपको रुचि आएगी। बॉडी के लिए तो एकदम परफेक्ट है बॉडी, जो लोग डाइट प्लान करते हैं। अभी हमारा एवोकाडो पीनट बटर और योगर्ट का मिक्स रेडी हो गया। ये जो मिक्स रेडी हो गया ये आपको दो बोल में डिवाइड करके, एक बोल सुबह खाओ और एक बोल शाम को खाओ। 2 टाइम एक बार में मत खाओ, सुबह शाम 2 टाइम बॉडी में दे दो, अच्छा रहेगा। अभी इसको मैं थोड़ा ऐसे गार्निश कर रहा हूँ। अब ऐसे एवोकाडो को दो में डिवाइडेड करके एक एक सुबह खाओ और एक शाम को खाओ फ्रिज में रख के, ये आपके लिए अच्छा होएगा। तो बॉडी में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन E सब इसके अंदर है। अगर हमारे रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अभी इसको इसके ऊपर से थोड़ा पीनट बटर से थोड़ा गार्निश कर रहा हूँ। मेरे चैनल को फॉलो करो, मेरे चैनल का नाम है कोलकाता किचन। और भी रेसिपी मैं ऐसे बनाया हूँ, सब रेसिपी फॉलो करके सब रेसिपी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।